खेला है या अपनी पोटेंशियल पे खेला है। मेन चीज है वो बताइए। ये लीजिए आगे नेटर ने मतलब माइनस पॉइंट पाकिस्तान आ गया है पांचवे पे अभी लास्ट पे नहीं गया है मतलब वो क्वालिफाई बट ये भी आप याद रखिए पॉइंट्स को छोड़ दीजिए उनका नेट रन रेट 17.5 ओवर पहले जीतने के बावजूद सिर्फ इतना सा इंप्रूव हुआ है माइनस 0.3 था इनका। नहीं देखो मनोज ये भी होता ना आपने उस दिन बड़ा अच्छा मुझे समझाया मेरे भी कि जितने मैचेस होते जाएंगे उतना ही मुश्किल हो जाता है डेफिसिट को आप वो कम 17.5 ओवर पहले जीत के भी आपने बस हल्का सा ही कम हुआ है विच मीन्स कि देखो एट सम स्टेज क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूजीलैंड 5 और पाकिस्तान 5 वो नहीं हो सकता। नहीं नहीं वो अब हो सकता क्यों पॉसिबिलिटी तो है वो पॉसिबिलिटी है कल सर उसमें इन दैट केस पाकिस्तान अगर तीनों मैच जीत भी जाए तो ये बाहर अब मतलब दो मैच हैं इनके अब दो हो गए एक आज हो गया और ये भी हो सकता भी खेल लिए ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड 4 पे फिनिश करे और पाकिस्तान भी 4 पे फिनिश करे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान सॉरी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान एक गेम है नहीं वो पाकिस्तान जीत गया फॉर एग्जांपल तो वो चार सबसे पहले तो कल इनकी नजर रहेगी ना कल ये चाहेंगे कल पूरा पाकिस्तान चाहेगा कि न्यूजीलैंड हार जाए कल हाँ साउथ अफ्रीका से हाँ क्योंकि साउथ अफ्रीका तो 5 पर जीत रहा है मैं वही देखो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट भी अच्छा है साउथ अफ्रीका की 5 जीत न्यूजीलैंड जीत नेट रन रेट इनका जो है वो ठीक हो गया अब ठीक हो गया माइनस 0.3 से माइनस 0.02 हुआ है नहीं बट ड्रामेटिकली उतना वो नहीं हुआ नेट रन से अगर आप 4-4 पे बराबर हो किसी स्टेज पे तो आप नेट रन रेट न्यूजीलैंड को पीछे नहीं छोड़ पाओगे पाकिस्तान की उम्मीद करनी होगी कि हम दोनों मैच जीते और न्यूजीलैंड जो है डेंट लगे थोड़ा तीनों मैच न्यूजीलैंड के पास पता है अगर इन टर्म्स ऑफ रन कम से कम नहीं तो 450 रन का एडवांटेज है पाकिस्तान के ऊपर और दूसरा वही चीज है ना कि जो अभी हम जो बात कर रहे हैं कल की गेम जो है आज तो शायद पाकिस्तान को पता होगा हम जीत जाएंगे एटलीस्ट थोड़ा सा लाइफ तो लग रहा है पाकिस्तान के चांसेस जीरो लग रहे हैं आपको पहुंचने के अब ये तो आखिर में तो मैं वही बोल रहा हूं टूर्नामेंट का इंटरेस्ट यार बांग्लादेश से जीता आज पाकिस्तान एक बार बताओ जब दो दो मैच बचे ये वाली तो एक्साइटमेंट आनी ही थी अब ऐसा थोड़ी एक्साइटमेंट तब होती है कि भाई अब यहां से ना ऑस्ट्रेलिया हो सकता है बाहर हो जाए या साउथ अफ्रीका बाहर हो जाए रियलिस्टिक चांसेस तो नहीं है रियलिस्टिकली नहीं है बट देन वही है द मोमेंट कल न्यूजीलैंड जीत गई मैच साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है बहुत ही खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सपोज साउथ अफ्रीका कल साउथ अफ्रीका बहुत बुरा नहीं हारी तो उसने जाना ही जाना है प्लस 2 समथिंग है उसका नेट रन रेट और अब कितना ही गिरेगा उनका अगले दो मैचेस में सारे मैच हार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया भी थ्रू है देखो एक मैच जीत गई मतलब अगर आप ये सब चलो ठीक है एक्साइटमेंट आर्टिफिशियल है मेरे हिसाब से हिसाब से तो इंडिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यही होंगे अफगानिस्तान के सबसे देखो न्यूजीलैंड को दोनों मैच हारने मतलब तीन हार तीन में से एक मैच उनका श्रीलंका है श्रीलंका वो कैसे हार हाँ, मैं मान लेते हैं पाकिस्तान उसमें छोड़ दिया क्योंकि आपस की टक्कर है कि उस दिन आपका भी बहुत ये भी हो सकता है दोनों 5-5 पे फिनिश करे सपोज करो न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे वो 5 पे चला जाए और फिर श्रीलंका पाकिस्तान से भी हार जाए और साउथ अफ्रीका से भी हार जाए ठीक है न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं और उधर से पाकिस्तान जो है न्यूजीलैंड को हरा और इंग्लैंड को भी पॉसिबिलिटी है 5-5 पर भी पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकता उनका नेट रन रेट तरीके का रहेगा इंप्रूव ही नहीं करेगा तो वो अब यही चाहेंगे कि न्यूजीलैंड कुछ जीते ही ना एग्जैक्टली उनकी वजह एक वो है बट न्यूजीलैंड श्रीलंका से तो नहीं हारेगा मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड कल साउथ अफ्रीका को भी हाँ हम लोग न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम पिछले मैच अपना मैच जीत के निकाल देंगे उसी बीच जो अफगानिस्तान यार 385 रन से अगर आप सब लोगों को समीकरण पसंद आ रहे हो धीरेज भाई तो लाइक पहले कर दे अगर आप लाइक करेंगे तो भाई आपको हमें ऐसा लगेगा कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है जो कवरेज हम दे रहे हैं भी कर दिया लाइक हाँ सारे अलग अलग टीम्स के आपको सिनेरियोस भी देख रहे हैं और सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है आप किन 4 टीमों को सेमीफाइनल में देख रहे हैं अपनी राय से ज़रूर कमेंट्स में आगाह करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया